अच्छा देखिए, स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या होंगे, टैग्स, मार्कअप या टैग्स आपका जो कॉन्टेंट है, DTD स्कीमा, और साथ में फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन। फॉर्मेटिंग क्या कि आपके पास आप जो है वो डेटा को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। और DTD और स्कीमा अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, जब आप वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं तो आप दो चीज़ें चेक कर सकते हैं, या तो आप DTD के थ्रू कर सकते हैं, या XML स्कीमा का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसके थ्रू आप जो है वैलिडिटी को चेक करते हैं। और आपके पास फर्स्ट चीज़ क्या थी, आपके पास टैग्स या मार्कअप्स आपके पास होते हैं, यानी जो टैग्स आप बनाते हैं। उसके बाद अब आप किसी भी एडिटर को यूज करते हुए XML फाइल बना सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो कोड पे बना लें, आप सबलाइन पे बना लें, ठीक है, या फिर आप किस पे बना सकते हैं, नोटपैड पे, जिस पे आप ये फाइल बनाना चाहते हैं आप ये फाइल उस एडिटर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ, हम इसी पे सेव करते हैं और इसी पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आके देखें, मेरे पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करके इसको फॉर्मेट डिफाइन कर देता हूँ कि ये फाइल कौन सी होने वाली है, XML टाइप की। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो अब ये XML टाइप है। तो मैं यहाँ पर आके कोई भी हम बना लेते हैं, हमने बोला सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जाम्पल कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने बोल दिया सॉफ्ट ड्रिंक, और यहाँ पर आके इसका टैग जो है वो हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद इसके अंदर हमने कितने टैग बनाए थे, दो टैग और बनाए थे, एक नेम का बनाया था, और मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर आपने कैपिटल में नेम प्रोवाइड किया है तो आपको कैपिटल में ही एंडिंग टैग के अंदर नेम यूज़ करना पड़ेगा। सॉफ्ट ड्रिंक का कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह से इसके अंदर एक और हम जो है टैग बना लेते हैं प्राइस का, और यहाँ पर प्राइस कोई प्रोवाइड कर देते हैं $1। सेव करते हैं इसको, अब सेव कहीं पे भी कर देते हैं, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया था XML को, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेव एज टाइप XML। और अगर आप नोटपैड को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको .XML टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ एडिटर को, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ नाम प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ फर्स्ट के नाम से हम एक फाइल बना देते हैं। अब ये फाइल हमने कहाँ बनाई थी, हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर ब्राउजर पे ओपन नहीं हो रही है डायरेक्ट, तो आप किस तरह से ओपन करते हैं, ओपन विद में जाकर आपके पास यहाँ पे ब्राउजर सारे होते हैं, ठीक है, जिस ब्राउजर पे आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है उस ब्राउजर पे आप यहाँ पर उसको यूज कर लेते हैं। और अगर आपके पास ये यहाँ पर भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सर्च कर लेते हैं कि आपके पास और ब्राउजर्स कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा अभी फिलहाल, जो है मैं इसको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज पे रन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास देखो ये खुद पा को ये आपके पास एक फाइल आ जाती है XML की बन के, क्या हुआ इसको, ठीक है। तो ये आपके पास फाइल आ गई। अब देखो मैंने आपको जैसे डिफाइन किया था, ये आपके पास किस स्ट्रक्चर में शो करता है फाइल को, ट्री स्ट्रक्चर में। आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास एक नेम का टैग है और एक दूसरा टैग कौन सा है, प्राइस का है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने आपके पास एक टास्क मेंशन किया हुआ है, ये असाइनमेंट है आपका, इसके लिए आपके पास 1 वीक का टाइम है, नेक्स्ट सैटरडे को आपको जो है ये सबमिट करना है, ठीक है। तो दो टास्क लिखे हुए, पहले आप जो है घर जाके थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे अपने जो भी कॉन्सेप्ट है डॉम के, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के, और फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, अब इसके अंदर हो सकता है बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी आगे चल के, अभी तो एक ही सॉफ्ट ड्रिंक थी,
आगे जाके मल्टीपल सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकती हैं, तो आपको अपने एक वेब पेज के अंदर जो कि HTML का होगा उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट डॉम ये डेटा इस फाइल से गेट करना है और वहां पर डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि हमें सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के नाम चाहिए, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक के नाम कहाँ से आएंगे, वो इस फाइल से आएंगे। अगर मैंने इस फाइल में कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐड कर दिए, वो खुद ब खुद उस पेज के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फोर लूप का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको पता है। आप क्या करेंगे, आपके पास XML डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपको डॉम में मिलता है, उसकी मदद से आप वन बाय वन इसकी नोट्स को एक्सेस करेंगे और वहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ फोर लूप आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा देंगे। तो आपके पास वन वीक है, वन वीक के अंदर आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर हुई हुई है कि यहाँ पे करेक्टर स्कोर आपके पास क्या है, यहाँ पे इनकोडिंग दी हुई है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बुक में कुछ इसी तरह से डिफाइन किया गया है, एक एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये XML है, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग डिक्लेरेशन है कि XML से आपका जो है वो एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद आप वर्जन बताते हैं कि वर्जन 1.0 यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं XML का, और फाइनली यहाँ पर ये जो इनकोडिंग का आपके पास वर्ड लिखा होता है ये आपको बता रहा होता है कि आप कौन सी इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, स्टैंड अलोन येस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मार्कअप डिक्लेरेशन येस और नो। ठीक है, यानी अगर हमने कोई एक्सटर्नल मार्कअप यूज़ की है फाइल, ठीक है, तो अगर हमने इसको येस किया हुआ होगा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने कोई एक्सटर्नल फाइल यूज़ की है, और अगर यहाँ पे स्टैंड अलोन को नो किया हुआ है इट मीन्स कि हमने कोई एक्सटर्नल मार्कअप को यूज़ नहीं किया है। तो ये स्टैंड अलोन का जो आपके पास एट्रीब्यूट है यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, और यहाँ पर ये जो आपके पास PC डेटा लिखा हुआ है ये डिफाइन करता है डिक्लेयर्स एंड डिफाइन द एलिमेंट्स यूज इन द डॉक्यूमेंट क्लास, और ये आपके पास डिफाइन द कॉन्टेंट ऑफ द XML डॉक्यूमेंट। तो ये XML डॉक्यूमेंट है जो अभी हमने बना के भी देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो ये आपके पास XML डॉक्यूमेंट इस तरह से बनता है, ये DTD है, और ये आपके पास स्टैंड अलोन का जो आपके पास यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल मार्कअप हमने यूज किया है या नहीं किया। उसके बाद आपके मार्कअप के अंदर जो है जो आपका मार्कअप है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्ट्रक्चर, इट डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट बाय स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। It emphasizes to specify a single non-empty root element that contains other elements and the content. तो सबसे पहले चीज़ आपके पास मार्कअप के अंदर आती है, आपके पास क्या आता है, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको पहले से पता है कि आप जितना भी डेटा जितने भी टैग्स बनाते हैं वो एक कॉन्टेंट यानी एक रूट एलिमेंट के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको ये डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आपके पास क्या है मार्कअप के अंदर, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, डिस्क्राइब हाउ ईच एलिमेंट इज स्पेसिफाइड टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल एन HTML एनेबल वेब ब्राउजर असाइन पैराग्राफ टू द टेक्स्ट P, ठीक है, बट नॉट टू द अदर टेक्स्ट मैसेज। यानी आपके पास सिमेंटिक्स क्या डिफाइन करते हैं कि आपके ब्राउजर के अंदर जैसे आपके पास सिंटेक्स होता है, ठीक है, तो सिमेंटिक्स को आप सिंटेक्स भी कह सकते हैं कि आपके पास अगर आप ब्राउजर के अंदर जाके पी टैग को यूज करते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि पी टैग का मतलब क्या है कि आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैसेज लिखें तो मैसेज को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो सिमेंटिक्स क्या डिफाइन करते हैं, आपके पास एलिमेंट्स जो आपके पास अनेबल आपके ब्राउजर हैं उनको इंडिकेट करते हैं कि ये आपके पास यूज कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, ये टैग किस तरह से फॉर्मेटिंग डिस्प्ले करेगा। स्टाइल, इट स्पेसिफाई हाउ द कंटेंट ऑफ द टैग और एलिमेंट इज डिस्प्ले। इट इंडिकेट्स वेदर द टैग इज बोल्ड नॉर्मल एंड पिंक इन कलर और विद द फॉन्ट साइज 10। तो जैसे आप यहाँ CSS यूज होती थी स्टाइलिंग के लिए, तो थर्ड चीज हमारे पास क्या होती है, स्टाइलिंग, ठीक है, इसके थ्रू हम ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पास जो कंटेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, ये सारी चीजें आप डिफाइन करते हैं। तो आपके पास मार्कअप के अंदर तीन चीजें हैं, स्ट्रक्चर, सिमेंटिक्स और स्टाइल।